अगले वक्ता हैं हमारे बीच में एडवोकेट समाज प्रिय रत्न जी, हाथरस से चल करके आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और 3 मिनट में अपनी बात रखें। गागर में सागर भरने का काम करें। जोरदार तालियों से स्वागत। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान एक ऐसा नेतृत्व जो अपनी मजबूत चट्टानों से दुनिया के नक्शे कदम पर संविधान की ताकत को दिखाने निकला है, वो ऐसा वीर, वो ऐसा युग, एक ऐसा युवा को जोश भरने वाला, एक ऐसा हमदर्द, एक ऐसा साथी, बहुत सम्मान के योग्य आदरणीय बीएम सिंह साहब को मैं निवेदन करता हूं। ये जो सम्मानित मंच जो विभिन्न राज्यों से चल करके आए, ऐसी विपरीत परिस्थिति में यहाँ एक पूरा प्रांगण भरा हुआ है, मैं पूरे सदन को नमन करता हूं। मेरे सम्मान के साथियों, मैं एडवोकेट समाज के रतन डिस्ट्रिक्ट हाथरस से बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात कहना चाहता हूं। ये जो विषय है ये सामान्य विषय नहीं है, बहुत चिंतन के योग्य है। और विषय क्या है? क्या अनुच्छेद 15 क्लॉज को 17 अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया? अरे सबको पता कर लिया होगा तो वकील हम काय करते होते, नहीं किया क्या? माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य हैं, सबको पता है, लेकिन फिर ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप जैसे सम्मानित विद्वानों का, क्योंकि विद्वानों का सदन है। मैं आपको दावा करता हूं, अगर आज आपने मेरी बात को यहां से इस मंच से समझ लिया, सुन लिया, तो मैं समझूंगा मेरा यहां दिल्ली में आना सार्थक हो गया। ऐ मेरे सम्मान के साथियों, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, 4 अगस्त 1932 की घटना याद दिलाता हूं। 4 अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनलवाद की घोषणा की थी, आप सबको पता है। और कम्युनलवाद में इस दुनिया के पिछड़े समाज के लोगों में आने वाले श्रीलंका से मानव एससी एसटी के लोगों को बहुत सारी कुछ नियम, कुछ जिम्मेदारियां दी थी, कुछ अधिकार दिए थे, जिसमें वोट का, 2 वोट का अधिकार था, जिसमें प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार था। लेकिन धन्य हो ये मनवादी मानसिकता के लोग, धन्य हो ये दूषित मानसिकता के लोग, इन्होंने धरने किए, महात्मा के रूप में धरने पर बैठ गए कि हम ये अधिकार नहीं मिलने देंगे। ये अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको लाके दिए, लंदन में लड़के लाके दिए, और ये अधिकार जो आज गरीब को मिल गए, इनका समाज राजा बन जाएगा, इनके समाज को राजा नहीं बनने देंगे। जब तक हम मर न जाए, हमारी आंखें, हमारी सारी की सारी शरीर नष्ट हो जाए, हमारा शरीर क्यों ना राख हो जाए, उस राख बन करके हम धूमिल करेंगे, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए इस कम्युनलवाद को हम इनके लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे। ऐ मेरे सम्मान के साथियों, अगर उस समय इस देश का बहुजन प्राधिकरण होता जो शक्ति निर्माण में आज है, वो उस समय की यादें भी होती, तो बाबा साहब को झुकने की जरूरत नहीं थी। बाबा साहब को पूना पैक्ट बड़ी मजबूरी में करना पड़ा था, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैक्ट कर रहे थे, उसके गवाह थे स्वामी अच्युतानंद स्वामी जी। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, स्वामी अच्युतानंद जी को उन्होंने कहा था रोते हुए कि आज ये वक्त है, मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं, मैं सम्मानित सदन का आग्रह चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आने वाली युवा पीढ़ी इस गलती को सुधार लेगी, लेकिन धन्यवाद आने वाली युवा पीढ़ी, मैं आपके चरणों में नमन करना चाहता हूं। कितने जानते हो कि कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या था? ये जो कौन है, ये जो कलम है, ये हमारी कोई औकात नहीं है, ये बाबा साहब की कलम है, बाबा साहब का कौन है, ये बाबा साहब की दावत है, और हमारी
के लोगों, हम लोग पूरे देश प्रदेश में जाते हैं केवल एक बात कहने कि अधिवक्ता समाज के लोग हो सके तो जाग जाए। आज ये जागे हुए लोग हैं, आज ये सोए हुए लोग नहीं हैं। मैं अपनी बात विराम करता हूं और सारा समय अपने आदरणीय मुख्य अतिथि जी को देता हूं और एक बात कहकर के अपनी बात को विराम दे रहा हूं। बहुत छोटी सी बात, एक टीचर कोचिंग सेंटर में यूं ही पढ़ा रहा था। लोगों ने, उनके स्टूडेंट ने कहा कि सर एक काम करिए, आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, कुछ ऐसी घटना बताइए, कुछ ऐसा कुछ करके दिखाइए जिससे हमें कुछ ज्ञान हो, ध्यान दें। उस टीचर ने क्या किया, एक पतीला लिया, नीचे स्टोव चलाया, उसमें कुछ मैदा डाले और मैदा डालने के बाद उसमें पंप भर दी। नतीजा क्या हुआ, जब स्टोव का पानी स्टोव बढ़ा, जो तुम्हारे पतीले में जो पानी था, भगोने में जो पानी था वो ठंडा था, मैदा ने उसे एडजस्ट किया। थोड़ा गर्म हुआ पानी, मैदा ने थोड़ा एडजस्ट किया। देखते देखते जब पानी वो खौलने लग गया, जब वो पानी खौलने लग गया तो मेढक टैब हो गए, ऊपर थाला गई, मर गए। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं वहां पर विद्वान स्टूडेंटों ने अपने विद्वान गुरु से पूछा कि सर ये क्यों किया, ये तो मर्डर है, आप जानते थे ऐसा करने से ये मर जाएंगे। तो गुरु ने कहा क्या मैंने इस पतीले को ढका था, नहीं ढका था, क्या मैंने इनको रोका था, कोई आवरण लगाया था, यदि ये चाहते तो जब इनको पीड़ा हो रही थी ये इसकी खराब आवाज खा सकते थे, लेकिन ये अपनी वजह से मरे क्योंकि ये सिर्फ एडजस्ट कर रहे थे, केवल एडजस्ट कर रहे थे। और आदमी चाहे, मैं एक साथ कहना चाहता हूं सम्मान के साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देश के संविधान तभी अच्छा चल सकता है जब शासक अच्छा हो। क्या शासक अच्छा आया, नहीं आया, तो जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी हमारे रात के जैसे पढ़े लिखे लोगों की है, जब पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी पाने के बाद, पैसा पाने के बाद मियां बीवी बच्चों में लगे रहते हैं, उनका वही परिवार है, वही समाज है, वही सब कुछ है, अधिकतर कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें बाबा साहब के चरणों की शरण, इस काले कोट की शरण, अगर तुम्हारे सामने ये संविधान बनता है तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे बंदे चूजे लगाएंगे, इस बात को हाथ में लिख लीजिए। मैं कह के जा रहा हूँ है मेरे सम्मान के साथियों, इतना अनर्थ होने जा रहा है, इतनी भयंकर दिशा, इतनी भयंकर व्यवस्था में, और हम लोग ऐसे सोए हुए हैं, हमको कोरोना खा जाएगा, हमको बॉर्डर पर रोक के पुलिस गोली मार देगी, अरे क्या होगा आने वाले बच्चों को, तुम्हारा गला घोट दिया जाएगा। याद करो भारतीय संविधान पल भर के लिए हटा दिया जाए, झाड़ू याद है, मटका याद है, ये पढ़ी लिखी कलम का चश्मा उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा। मैं ये बस एक लास्ट में नहीं करूंगा कि बहुत ही सुलझे हुए लोगों ने, इस देश की व्यवस्था को समझने वाले लोगों ने, बाबा साहब के एक सच्चे और अच्छे अनुयायियों ने मिलकर के संगठन का गठन किया है। मैं निवेदन करता हूं अधिवक्ता, तमाम अधिवक्ता साथियों से निवेदन करता हूं, आप लोग अपना थोड़ा सा कीमती समय अगर इस संगठन को देंगे, अपने विचारों से देंगे, तो निश्चित रूप से हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे, हम पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व दिला पाएंगे, हम माननीय हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपनी आवाज पहुंचाना पाएंगे कि वहां पर हमारे जज होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और जय की। आप सभी अतिथिगण एवं जो भी यहाँ वक्ता आए, बहुत ही विद्वान वक्ताओं को हमने सुना, अपनी बातें रखी सब लोगों ने मजबूती से, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अगर हम टॉपिक पे बात करें, आर्टिकल 12, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 या आर्टिकल 16 क्लॉज 4 या 17, तो मैं अपनी बात को संक्षेप रूप में टॉपिक पे ही रखना चाहूँगा कि क्या आर्टिकल 12 स्टेट का जो डेफिनेशन है उसके अंडर में जुडिशियरी आता है। तो इस पे कई सारे जजमेंट्स भी हैं पुराने। अगर हम प्लेनली जुडिशियरी की बात करें
तो जुडिशियरी में कहा गया है कि फंक्शन जो है कोर्ट के अंदर का जो फंक्शन है वो स्टेट के दायरे में आएगा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है जैसे हायरिंग का सिस्टम, जजेस क्लर्क को हायर करते हैं या जो स्टेट के अंदर जो सैलरी दी जाती है तो वो स्टेट के अंदर आता है, तो सारे प्रोसेस को स्टेट माना गया है लेकिन जुडिशियल फंक्शन को स्टेट नहीं माना गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि जुडिशियल फंक्शन को स्टेट नहीं माना जाएगा जबकि सारे फंक्शन स्टेट का पार्ट है? तो स्टेट के अगेंस्ट आप अगर खुद को रख रहे हो, ये तो खुद ही डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और हमें भी मालूम है, सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं जो डिसाइड कर रहे हैं, वो अपने ही फेवर में डिसाइड कर रहे हैं कि जुडिशियरी इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट या जुडिशियल प्रोसेस विल नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। तो अगर जुडिशियल जो प्रोसेस है उसको नहीं रख रहे हैं तो फंडामेंटल राइट से कर्टेल होता है किसी का, जैसा खासकर एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज कमिटी लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है, अगर जुडिशियरी अगेंस्ट में कोई डिसीजन देती है उन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास करती है, तो फिर वो जुडिशियल प्रोसेस क्योंकि स्टेट का पार्ट नहीं है तो ये खुद को अपने आप को बचा रहे हैं। और अगर ये स्टेट का पार्ट नहीं है तो क्या ये स्टेट से ऊपर है? ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टेट से ऊपर है? तो फिर सैलरी स्टेट को यही दे, सब कुछ यही दे, ये खुद को स्वघोषित राजा मतलब पब्लिक के बीच में एक मान लें कि हमारे ऊपर कोई नहीं, हम स्टेट से ऊपर है, जबकि लेजिस्लेचर स्टेट का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव स्टेट का पार्ट है। और जुडिशियल फ्रेमवर्क में भी देखें जुडिशियरी को भी, तो वो भी स्टेट के ही दायरे में बना हुआ है, लॉज रेगुलेशन बायलॉज जो भी बनता है स्टेट का वो जुडिशियरी का भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का गठन हो या हाई कोर्ट का या अदर बार का या जिस भी आप जुडिशियल बॉडी की बात करेंगे लोअर कोर्ट्स का, तो वो स्टेट के अंडर में ही बनता है। फिर खुद को स्टेट के सब्जेक्ट से बाहर रखना ये बेईमानी है। तो ये लोग जान बुझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि जो डिप्राइव्ड क्लास है, जिन लोगों के साथ शोषण होता है, उसके खिलाफ ये कानून में कुछ भी छेड़छाड़ करके बच सके। और सबसे बड़ी चीज है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 या 16 क्लॉज 4 या 17 की भी बात करूं मैं, तो जब हम बात करते हैं मानसिकता की, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है समझने की कि अस्पृश्यता या छुआछूत जो है, लोग कहते हैं आप समाज में नहीं है, खत्म हो चुका है, बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन मैं कहूंगा कि हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे बहुत नगण्य है, बहुत कम है, बहुत पिछड़े दूर दराज इलाकों में दिख जाता है। जब पिछड़े दूर दराज इलाकों में ये दिख जाता है, और ये छुआछूत सिर्फ फिजिकल छुआछूत नहीं है, ये मेंटल, ये समझने की जरूरत, इसको हम कैसे खत्म करेंगे? ये जो विचार है, विचारों का जो छुआछूत है कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की, 50% इस देश की आबादी महिलाओं की, महिलाओं को भी इससे वंचित रखा जा रहा है, दलित समाज को तो वैसे ही हाशिए पे रखा गया, एक मेंटालिटी लोगों के अंदर डाल दी गई है कि भैया ये दलित है तो ये आगे कुछ नहीं कर सकता, इसमें टैलेंट नहीं हो सकता, जबकि देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट। या एजुकेशनल सेक्शन की भी बात करें हम, तो बहुत सारे आज के डेट में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर एनएलयूज को देखें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं,
तो उसमें भी रिजर्वेशन के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं जो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज से बिलोंग करते हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत नेक टू नेक कंपटीशन करके लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर उनको रिप्रेजेंटेशन जुडिशियरी में क्यों नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे बीच में संगठन और एकता नहीं। कोई हम अब ये होता है कि समाज में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इश्यूज हो, चाहे दलित आंदोलन के नाम पे लोग, कुछ लोग नेतागिरी कर तो लेते हैं, लेकिन उसको पूरे तरीके से वैचारिक तौर पे पब्लिक आम जनता के बीच में नहीं ला पाते हैं। उसके पीछे कारण है कि एक तो लोग घबराते हैं कि हमारा नाम हमारा सरनेम देख करके लोग हमें हीन नजर से देखेंगे कि भैया ये देखो ये छोटी जात का है। तो पहले तो खुद के अंदर से ये जो भावना है कि हमें लोग एससी समझे समझ के छोटा समझेंगे, हमें टैलेंटलेस समझेंगे, तो ये फीलिंग तो पहले खुद के अंदर से खत्म करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग अपने आइडियल्स को प्रॉपर तरीके से प्रोपगेट नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। शायद रीजन ये रहता है कि कॉन्फिडेंस कम हो या फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। खासकर हमारे समाज में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा है। जब किसी स्वर्ण को देखते हैं तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो फॉरवर्ड है तो वो हमसे ज्यादा बेटर हो, चाहे वो बेटर हो या ना हो, पर डिसाइड खुद ही कर लेते हैं कि वो फॉरवर्ड है तो वो हमसे बेटर होगा। अरे हमारे समाज में भी एक से एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और बेहतरीन लोग, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं, लेकिन मौका नहीं मिलता है, या तो खुद डर जाते हैं या आगे दूसरों को नहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और संगठन के तौर पे लोग आना नहीं चाहते, जुड़ना नहीं चाहते कि कौन टाइम वेस्ट करेगा। और जब हम फॉरवर्ड्स की बात करते हैं तो वो लोग आपस में ही बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कर लेते हैं, चाहे हम जुडिशियल सर्विसेज की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या अदर सर्विसेज की। बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी हमारे समाज से बन के आते हैं लेकिन वो लोग आपस में जुड़ते नहीं। कुछ तो डर जाते हैं कि हमारे बीच में लॉबिंग नहीं, तो लॉबिंग बनाओ ना भाई, आप लॉबी करो, लॉबी कर ही नहीं रहे हो तो फिर क्यों चाहोगे कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े, सवाल ही नहीं रह जाता। जब फॉरवर्ड लोग कुछ 13% हो करके लॉबी करके पिछले 70 साल से सत्ता में काबिज हैं, जुडिशियरी में काबिज हैं, हर तरीके से हर जगह, चाहे वो रिजर्वेशन के थ्रू कोई ऑफिसर जाता है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता, टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता, प्रमोशन मिल भी गया तो कोई ना कोई केस में फंसा दिया जाता है, क्योंकि जो फॉरवर्ड लॉबी है वो किसी को भी बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करती, जनरली ये होता। लेकिन उनके बीच का अगर कोई बहुत ही छोटे रैंक का भी कर्मचारी होता है फॉरवर्ड्स का, स्वर्णों का, तो पूरा का पूरा उनका तंत्र लग जाता है उनको ऊपर उठाने में। अगर एक दलित आईएएस की लड़ाई किसी एक चपरासी से भी हो जाए तो कई बार चपरासी हावी पड़ जाता, क्योंकि उसकी लॉबी बहुत स्ट्रांग होती। तो लॉबी करने के लिए हम लोगों को एक साथ एक मंच पे एक प्लेटफॉर्म पे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस तरीके से अब एक शुरुआत हुई है पूरे देश भर के लिए, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, और जो भी हमारे छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं उन सभी को जोड़ करके इस संगठन में इंक्लूड करके एक पूरा नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म क्रिएट करके लॉयर्स के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए। वकीलों को बुद्धिजीवी कौन कहा जाता है, तो हमारे समाज से भी कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे जगह से तालीम हासिल की है, पढ़ लिख के आए हैं,
डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ के मजबूती से अपनी लड़ाई को अपनी बात को रखना है। और कमी नहीं है ऐसे एडवोकेट्स की जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चीफ जस्टिस बन सकते हैं हमारे समाज से, जिनको बनने नहीं दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाना होगा, लॉबी क्रिएट करना होगा, ऐसे लॉयर्स को ऊपर उठाना होगा और मरते दम तक साथ में खड़े रह करके एक साथ लड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वरना ये 70-75% जो 70% SC ST OBC समाज है, इसी तरह पिछड़ा रहेगा, इसी तरह दुर्गति होती रहेगी। और 15% और जोड़ लिया जाए जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये 85% जो मूल निवासी हैं, इनको एक साथ एक मंच पे आकर के एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, ताकि और भी लोग अपनी बात करके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत वासुदेवाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाइयों, जो ये प्रोग्राम किया गया है और इसमें जो मेहनत की गई है वो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। और अगर आज हम 100 या 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अगर हम परिश्रम करें तो 2000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं और 2,00,000 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए, दुश्मनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक दुश्मनी होती है, एक आर्टिफिशियल दुश्मनी होती है। आर्टिफिशियल दुश्मनी ये है कि हमने आपका वोट ले लिया, आपको 1,500 रुपये दे दिए, दुश्मनी खत्म हो गई। एक आर्टिफिशियल एक प्राकृतिक दुश्मनी होती है जो प्राणों को लेने पर खत्म होती है, जैसे कि चूहे और बिल्ली में होती है, सांप और नेवले में होती है, इस प्रकार जिस प्रकार की बहुजनों में और नॉन सुरकास्टों में होती है। मांस के टुकड़े को अगर आकाश में उड़ाया जाए तो आकाश के रहने वाले पक्षी खा जाते हैं, और जमीन पर फेंका जाए तो जमीन पर रहने वाले लोग, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु खा जाते हैं, और पानी में फेंका जाए तो पानी में रहने वाले ले जो जीव जंतु खा जाते हैं। बहुजन समाज का व्यक्ति या सुरकास्ट का व्यक्ति देश में जिस हिस्से में जाता है उसका शोषण होता है, और उसका शोषण उसी प्रकार दिखाई नहीं देता जैसे पानी में रहने वाली मछली पानी पीती हुई नजर नहीं आती। इसलिए आप ये देखें कि जिस प्रकार एक धान चावल का जो बीज होता है बिना उसके कवर के वो पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सुरकास्टों की के कोई भी विकास उनकी एकता के बिना संभव नहीं है, और उनकी एकता ही उनका सबसे बड़ा उनका हथियार है, वो उनका सुरक्षा कवच है। मैं संविधान के बारे में एक बात कहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी परेशानी में था इसलिए मैं सब्जेक्ट के मुताबिक स्टडी नहीं कर पाया, मैं एक बात ही कहूंगा। देखिए, भारतीय संविधान को छूने के लिए, टच करने के लिए, उसकी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम हाईकोर्ट लेवल का जज होना चाहिए, किसी सेशन जज को, मजिस्ट्रेट को कॉन्स्टिट्यूशन पावर एक्सरसाइज करने की कोई पावर उसको नहीं है। उसको पावर चाहे 226 में हो, कम से कम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी बात यह, जहां सुरकास्टों की बात होती है, सुरकास्टों के खिलाफ देश की जुडिशरी है, हाईकोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, और इस देश का जरा जरा सुरकास्ट के खिलाफ है, लेकिन दुष्टों के, दूसरों के, धनाभरण वालों के, सर्पों के कभी इरादे पूरे नहीं होते, इसलिए देश का बहुजन अभी तक मूल निवासी इस देश में टिका हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट मुझे याद आता है, अगर 100 शेरों का नेतृत्व एक कुत्ता करता है तो सारे शेर कुत्ते की तरह लड़ते हैं, अगर 100 कुत्तों का नेतृत्व एक शेर करता है तो सारे कुत्ते शेर की भांति लड़ाई लड़ा करते हैं। आज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया है, मैं कहूंगा उनका तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांत भाई का करना चाहिए। ये देश की राजधानी में जुडिशरी बनने के बाद ये पहला मौका है कि जब हम सब लोग इकट्ठा होकर बता रहे हमारे मैसेज दूर गांव तक जाना चाहिए, और बहुजन समाज के लोग चाहे वो कोई भी हो, हम सब एक है, हमारा मैसेज दूर दूर तक जाना चाहिए। और इस प्रोग्राम को जीवित रखने के लिए महीने में कम से कम एक प्रोग्राम हम लोगों को करते रहना चाहिए। अगर आप लोगों को कम से कम महीने में एक प्रोग्राम नहीं है तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं श्रृंखला टूट गई है, चेन टूट गई है, और जो जागृत लोग आपने करे हैं वो लोग फिर सो जाएंगे। जिस प्रकार हिमाचल
मुस्लिम समाज को, मूल निवासी को, सुरकाश को, कोई भी दुनिया की ताकत अब गुलाम बनाकर नहीं रख सकती है। आप ये देखें, एक शायर का शेर हमें याद आता है, अरे न कर्फन की अर्थी है न फरियाद